जय श्री मन नारायण दोस्तों। तो अभी मैं आपको लेकर आया हूँ पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा सुनाने के लिए। तो आज से 26 फरवरी 2023 तक कथा यहाँ पर स्टार्ट है और 4 मार्च 2023 तक चलने वाली है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ की देने वाला हूँ कि अगर आप कथा सुनने आना चाहते हो महाराज जी के अनिरुद्धाचार्य जी की बहुत प्यारी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, अगर कथा सुनने आप आना चाह रहे हो तो कैसे आप आ सकते हो, यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या होने वाली है, पार्किंग वगैरह लोकेशन सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, चैनल पर आए हो पहली बार तो भाई अपने भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना। तो आइए यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं और अंदर चल के कथा भी सुनने वाले हैं, पूरी कथा सुनेंगे और पूरा नज़ारा आपको आज का दिखाने वाले हैं। तो जय श्री राधे। तो भाई यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ एक बार ताकि आपको आने में कोई भी असुविधा ना हो। तो ये आप रोड देख रहे हो ना, तो यहाँ सामने ये आप देख रहे हो, ये है जापानी पार्क जिसको जापानीज पार्क भी बोलते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे देखो ये लगा कथा का एंट्री गेट। तो आओ अंदर, यहाँ पे बोर्ड लगाया ना वहाँ से आपको पूरा मैं बता देता हूँ ये एड्रेस के बारे में। यहाँ एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम क्या है ना ये भी बताता हूँ आपको चल के यहाँ से। तो भाई यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ बोर्ड पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जापानी पार्क। वैसे जापानी पार्क ये नहीं है, जापानी पार्क जो मैंने आपको सामने दिखाया था ना वो था, बाकी एक ही बात है क्योंकि आप बिल्कुल सामने ही है ना जापानी पार्क, इसलिए तो जापानीज पार्क भी इसको बोलते हैं। तो रोहिणी का जापानीज पार्क है, सेक्टर जो है ये 10 है और ये एक है जेएमडी टेंट हाउस है, यहीं पर ही आप देख रहे हो ना वहाँ पर ये सामने जो एक आप देख सकते हो ब्लू ब्लू कलर का यहाँ पर टेंट लगा है, तो ये जेएमडी टेंट हाउस है। तो यही ग्राउंड में मतलब ये कथा हो रही है रोहिणी सेक्टर 10 के अंदर। बाकी ये तो मालूम ही आपको 26 फरवरी यानी आज से स्टार्ट है और 4 मार्च तक चलने वाले 2023 तक। बाकी टाइम होने वाला है यहाँ पर 2 से 6 बजे तक, मतलब कथा तो 2:30 बजे स्टार्ट होगी, बाकी पंडाल में मतलब लोग जो है टोटली फुल हो जाएंगे 2 बजे तक। तो बाकी अगर आपको आगे बैठना है तो जल्दी आना भाई, लगभग मतलब 1 बजे तक आ ही जाना क्योंकि अभी 1 बजे है और पंडाल लगभग फुल होने ही वाला है। तो भाई ये पूरी आप एरिया देख रहे हो ना, तो कहीं पे भी अपने व्हीकल को आप पार्क कर सकते हो, आपकी बाइक हो चाहे कार हो, जैसे कि लोगों ने भी करा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी कथा पंडाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सामने कथा पंडाल। तो ये बच्चे में मिले, कथा सुनने आए हो, कथा सुनने आए हो भाई, कहाँ से जेल में कथा सुनने आए हो आप, सबको जेल में ले जाओ, जेल में ले जाओ जेल में लेंगे। यहाँ पे आने के लिए सबसे करीब जो मेट्रो स्टेशन है वो होने वाला है डठाला का, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और रिक्शा के थ्रू मतलब यहाँ पे आप आ सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्या पता है क्या, ये वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये पार्क, आप चाहे तो रिक्शा के थ्रू आ सकते हैं 10 रुपये लेकर। आपको रिक्शे वाले को बोलना है कथा में जाना है, सीधा हाँ। आपको मतलब पार्क के बिल्कुल बाहर उतार देगा, हाँ आपको बोल दे रहे कथा में जाना है तो रिक्शा वाला आपको यहीं पर ही लेके आ जाएगा। तो ये आप पंडाल देख सकते हैं पीछे और भर भर के लोग आ रहे हैं, तो हम जल्दी चलते हैं जगह घेरते हैं अपनी। तो एक कथा पंडाल है, तो उससे पहले थोड़ा पानी की व्यवस्था है, तो पानी हमने पी लिया है। बाकी किसी को कुछ अपना सहयोग करना हो तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम भी करेंगे जाने से पहले, तो पहले कथा सुनेंगे। तो यहाँ से आप ये भी खरीद सकते हैं बुक्स वगैरह, माँ तो कितनी अच्छी है, तो पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी ने ही लिखी है, बाकी उनके यहाँ पे तस्वीर आप ले सकते हैं, चंदन का तिलक ले सकते हैं और देखो तुलसी की माला भी आप यहाँ से ले सकते हो, दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं तुलसी की माला यहाँ से आप ले सकते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी हैं यहाँ पर। कितने रुपये की होने वाली माला है, 120 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे, 120 लिखा हुआ है। बाकी ये देखो अलग अलग यहाँ पे है और ये देख सकते हैं, बाकी श्रीमन नारायण यहाँ पे चिट है आपको मिल जाती है स्टिकर। तो भाई जाने से पहले सभी टीका लगवा रहे हैं अपने चंदन का। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे आप पंडाल, अभी 1 ही बज रहे हैं और देखो कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बच्चे भी बुजुर्ग भी बड़े भी सब आए हुए हैं यहाँ पर। चारों ओर माइक लगे हैं ना, क्योंकि भाई इतना दूर तक थोड़ी ना पुधरा आवाज़ आ जाएगी वहाँ से, तो माइक लगे हैं तो माइक के थ्रू आवाज़ आएगी। लाइट वगैरह लगी हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, तो उसके बाद तो आओ बिल्कुल आगे चलते हैं हम, जितना आगे हो सके कोशिश करेंगे थोड़ा लोगों को बहला फुसला के सबसे आगे जाएँ, बाकी देखते क्या होता है। बाकी चलो चल रहे हैं आगे, पूरा पंडाल है देखो ये, बाकी स्क्रीन पर चलेगा क्योंकि इतनी दूर से देखो यहीं से ही पंडाल दिखाई नहीं दे रहा, देखो कितना दूर लग रहा है यहाँ से, तो स्क्रीन पर देखेंगे लोग जो लेट आएंगे वो। बाकी आज संडे है तो मतलब काफ़ी लोग आने वाले हैं, हो सकता है 1 लाख तक आ जाए। तो भाई साथ में लक्ष्य भाई आए हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा लक्ष्य भाई, जय श्री मन नारायण, जय श्री मन नारायण। भर गया भाई, बहुत भर गया ये तो, अरे हम तो कैमरे में दिखेंगे लग रहा है, अब फटाफट जगह घेरो यार अपनी, पूरा भर चुका यार, खैर दिख तो जाएंगे अनिरुद्धाचार्य जी हमें यार। ये लेडीज का और जेंट्स का, लेडीज जेंट्स एक में अलग अलग है, एक ही में है, अच्छा अच्छा अभी मतलब एक ही जगह में करा हुआ सब, तो बैठे यहीं पे बैठते आ जाओ। तो गाइस मैंने आपको बोला था ना कि कुछ लोगों से बात करते हैं, तो ये आंटी हैं, नमस्ते आंटी, कैसे हो, तो आप पहली बार आए हो गुरुजी से मिलने, पहली बार आए हो, तो एक्साइटमेंट कितनी है, मतलब खुशी कितनी है, खुशी कहाँ से आए हो आप, सुल्तानपुरी दिल्ली, तो मतलब एक्साइटमेंट पूरी है,
क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। राधे राधे बोल दो एक बारी। बाकी एक मैम और भी हैं। राधे राधे, कैसे हो आप, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, आप भी सुल्तानपुर से ही आए हो आप, तो मतलब पहली बार आए हो या फिर पहले आ चुके हो आप? तो पहली बार आए हो, तो एक्साइटमेंट कितनी है क्या? सच में तो एक बार जोर से बोल दो, राधे राधे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और भाई मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से पहले ही मिला हूँ, और मैं अनिरुद्ध आचार्य जी इसलिए बोल रहा हूँ, गुरु जी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने गुरु दीक्षा नहीं लिया उनसे, गुरु दीक्षा लेने के बाद ही गुरु जी बोलते हैं, तो इसलिए मैं अनिरुद्ध आचार्य जी बोल रहा हूँ उनको। तो अनिरुद्ध आचार्य जी से मैं पहले ही मिला हूँ, मैं वृंदावन में गया था गौरी गोपाल आश्रम, तो पूरा मैंने मतलब गौरी गोपाल आश्रम दिखाया वीडियो में, वहाँ पे मतलब बुजुर्ग माँ है वो दिखाया था, वहाँ पे जो फ्री में भोजन मिलता है वो दिखाया था, और अनिरुद्ध आचार्य जी से मैंने बातें करी थी एज मतलब बाइक लेके मैंने बातें करी थी उनसे, वो भी मैंने पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, पूरा गौरी गोपाल मैंने आपको दिखाया था पूरा सब कुछ एक एक चीज़, तो जाके जरूर देखना इस वीडियो को, उस वीडियो को प्यार देना, और पूरा मतलब आपको मतलब सब कुछ मिलेगा, गौरी गोपाल की रसोई, गौरी गोपाल आश्रम सब कुछ, तो जरूर देखना उस वीडियो को। आइए कथा सुनते चल के। अरे मेरी सीट गिर गई यार भाई, मैं वहाँ बैठा था, सीट गिर गई इतने में ही। तो भाई 2:20 हो रहे हैं, लोगों को दिखाता हूँ मैं आपको कितने लोग आ चुके हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं वो 2:30 आएंगे और 2:20 हो गए हैं, तो दिखाता हूँ एक बार चारों तरफ, आप देखिए कितने लोग आ चुके हैं अभी, तो भर भर के और आ रहे हैं लोग। लाखों लोग आ चुके हैं इस समय यहाँ पर। Yeah।
जाति की सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो सिर्फ विश्वास है। आप विश्वास रखिए तो सही, केवल विश्वास। बेटा बैठ जाओ, आप लोग सब लोग बैठ जाओ और सबको सुनो, सुनने को बैठ जाओ सब लोग, आप लोग भी बैठ जाओ बेटा, सब लोग बैठ जाओ। तो भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? विश्वास। जोर से विश्वास। भक्ति की नींव क्या है? विश्वास। किस पर टिकी है? विश्वास। प्रहलाद जी को भगवान पर क्या था? विश्वास। इस खंभे पर भगवान है, ये विश्वास है या नहीं? बिल्कुल है। प्रहलाद जी को विश्वास था, ध्रुव जी को क्या था? विश्वास। विश्वास। और केवट को क्या था? केवट ने जब पार उतारा ना राम जी को, तो केवट ने कहा हे प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ये नाव डगमग 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 डोल रही थी, तो भगवान ने कहा जरा धीरे चलो, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोले प्रभु यदि तैरना नहीं आता तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट चतुर कितना, केवट तुम क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ? केवट बोला यदि मैंने प्रभु आपका हाथ पकड़ लिया तो अभिमान बस मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, पर जिसने आपका हाथ पकड़ लिया, आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हे प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो भगवान का हाथ आप मत पकड़िए। यदि हमने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो हम अभिमान बस हाथ छोड़ दें। अच्छा एक बात बताएं, भक्ति कौन नहीं कर सकता ये बताओ, भक्ति कौन नहीं कर सकता ये बताओ, जोर से कौन नहीं कर सकता बता दो। मैं बता रहा हूं कौन कौन नहीं कर सकता भक्ति, बोल कितना मेरी संग छोड़ दो। कामी अभिमानी भी थे, पैसा भी था पर कंजूस भी थे, खूब पैसा जोड़ा, यहाँ तक कि अच्छे से पहने नहीं, कपड़े अच्छे से खाया नहीं, केवल पैसा जोड़ा है, केवल पैसा जोड़ा है, केवल पैसा जोड़ा है, सिर्फ पैसे कमाया है। एक दिन उनकी पत्नी उनके बेटे ने उनका सारा धन हड़प लिया और जब कोई खर्चे ही नहीं किया उन्हें पत्नी पुत्र पर, तो पत्नी पुत्र ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। अब वो रोने लगे, हमारी पत्नी ने हमारा अपमान कर दिया, हमारे पुत्र ने हमारा अपमान कर दिया, सारी जिंदगी धन कमाया और सम्मान भी नहीं मिला, खर्च भी नहीं किया, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया, अब रो रहा है। आखिरी में उसे एक बात समझ में आई कि मेरे जीवन में जो दुख आया है ना, ये दुख केवल इसलिए आया कि मैंने ये मान लिया कि मैं कुछ हूँ, मैं इन बच्चों का पालनहार हूँ, मैं इस पत्नी का पालनहार हूँ, मैं इस पैसे का मालिक हूँ, मैंने ये मान लिया इसलिए मेरे जीवन में इतना। शराब ना पीजिएगा,
दिल्ली के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं है। बर्बर के पीते हैं। पीते कभी चार साल हो गए लॉकडाउन के पहले। आप पहले तो पीते थे, कब से छोड़ दिए? आपकी बारी अलग है, अपनी बारी तुम्हारी बारी किसी गंदी नाली में गिराती है, हमारी बारी को भगवान के चरणों में जाकर गिराती है। मेरे सामने मेरे सामने मेरे सामने सलाने कन्हैया, मेरे सामने सलाने कन्हैया। Oh,
भाई कथा का एंड हो चुका, आरती हो चुकी है, देखो कितने सारे लोग वापस जा रहे हैं, बहुत हैं लोग अभी तो, और चार्जर निकल रहे हैं ना अभी तो, सब निकल रहे जल्दी जल्दी, चलो चलो देखते हैं वो कहाँ से निकल रहे हो। देखो भाई देखो, चप्पल जूते अब जो हमने उतारी थी अब वो तलाशनी पड़ेगी इतनी भीड़ में, बताओ कैसे देखेंगे हम, चोरी ना होगी बस, देखते हैं। तो भाई थोड़ा सा सहयोग हम भी करते हैं बुजुर्ग माओ के लिए। अरे जूते पहन रहे हो, मिल गए तुम्हारे जूते, चलो बढ़िया, तो हम भी सहयोग करते हैं, काफी भीड़ हो रखी है वैसे अभी भी। तो अभी यहाँ पे मार को कुछ कृष्ण जी के भक्त मिले हैं, नमस्ते, कैसे हैं? राधे राधे। और सब बढ़िया? तो कैसा लगा आपको आज? पहली बार आए हो आप? पहली बार आए हैं। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? नोएडा। अच्छा नोएडा से आए हैं आप, तो फैमिली के साथ ही आए हो आप है, तो बढ़िया लगा, आनंद आया बिल्कुल, मन मतलब खुश हो गया है, क्या बात है। बाकी काफी काफी लोग भी आए हो, काफी लोग आए हुए। हाँ जी आंटी कैसा लगा आपको? राधे राधे, मजा आया, खूब आनंद आया, आनंद आया, बैठ जाओ, कल के लिए पहले से एडवांस बुकिंग कर लो आप। कहाँ से आए हो आप? सुल्तानपुरी से आए हो आप? काफी लोग दिखे, पहली बार आए हो ना आप? हाँ नहीं वैसे तो काफी बार आई हूँ वृंदावन में भी। गौरी गोपाल गए हो? हमेशा मिलती रहती हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो भाई ये मैम भी हैं, हाय मैम, राधे राधे, कैसे हो आप? बढ़िया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजा आया, आनंद आया बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। आंटी आपको कैसा लगा? मजा आया, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो भाई कुछ इस तरीके की रसीद मिलती है आपको जब आप थोड़ा सहयोग करते हैं ना, तो रुपए लिखे होते हैं और इस तरीके की पूरी आपको स्लिप मिलती है। तो भाई कथा में से आगे काफी आनंद आया, तो कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद चलेंगे। तो भी पंडाल के बाहर ही काफी स्टॉल्स लगी हुई हैं, अगर आपको भूख लग जाती है मतलब कथा सुनने के बाद, तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं। बाकी एक चीज मैं एक चीज देख के हैरान हूँ मैं, यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि सिर्फ 5 रुपए कप चाय है, 5 रुपए कप चाय है ना भैया, ऐसा क्यों सस्ता ही क्यों दे रहे हो भैया? बहुत ही बढ़िया भैया, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब यार हर कोई पी सकता है। बाकी माता जी पी रही है, माता जी नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप? कैसा लगा आपको आज? बढ़िया, आनंद आया, अच्छा, उत्तम नगर से बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया। और चाय भी कैसा लग रहा है? चाय भी अच्छी है आंटी, रोस्ट कर दिया उत्तम नगर को। चलो धन्यवाद आंटी। एक्चुअली पता है कि आंटी वहाँ पे ना 200 बंदों का ही जगह थी, छोटा बहुत छोटा प्लॉट, हाँ पंडाल बहुत छोटा था। आनंद आया ना, पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार आया होगा। नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब मतलब महाराज जी से मिलने के लिए पहली बार आए हो? मिल के आए हो? धन्यवाद। अरे खुद मिलने आए थे माता जी? अरे वाह, आपकी माता जी को? 90 साल की। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, ये तो मतलब माननी पड़ेगी बात, मान ले। कितना रुपए दिए भाई? कचौड़ी 20 रुपए, 20 रुपए की खाने भाई। चटनी मीठी वाली है? चटनी चटनी थोड़ी चलती है इसमें, नींबू चटनी है, तीखी वाली। अच्छा नींबू वाली चटनी है, खानी है। सो गाइस कथा सुन के आगे बहुत आनंद आया, क्या मतलब जब नृत्य कर रहे थे ना, मतलब जब भजन गाया जा रहा था तब भी हम भाई बार बार हम खड़े हो रहे थे, डांस भी करा अपने, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिला और आनंद आ गया, सीरियसली आनंद आ गया। तो और उसी के अलावा भाई यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, कोई कचौड़ी वगैरह, कोई आइसक्रीम वगैरह, मतलब अलग अलग चीज़ें लोग बेच रहे हैं, और सबका सब कुछ खत्म हो गया। मतलब हमने लोगों से बात करी तो लोग कह रहे हैं कि कथा की कथा सुन ली, कमाई की कमाई होगी, तो दो दो फायदे हो गए, यहाँ का भी फायदा, वहाँ का भी फायदा, तो बहुत बढ़िया, सबको आनंद आ रहा है। तो आओ आप भी, पहला दिन था आज, तो अभी आपके पास 6 दिन है, 4 मार्च तक आ सकते हो आप, तो आओ बहुत आनंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। एक सेकंड भाई, मैंने तरुण भाई को बोला कि हम भी यहाँ पर स्टोर लगा लेते हैं, कथा भी सुन लेंगे रोज और कमाई भी कर लेंगे, और मान नहीं रहे मेरी बात भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल पर पहली बार आया था सब्सक्राइब करके बेल आइकन और भी क्लिक कर लेना, तो क्योंकि हम घूमने फिरने की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहते हैं, धार्मिक वीडियो भी बहुत सारी बनाते हैं हम, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे।